हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट्स यहाँ आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं बैंक ऑफ इंडिया के साइट पे BOI। चलिए बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें लॉगिन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। चलिए करते हैं लॉगिन पर्सनल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अलाउ करते हैं दोस्तों, स्किप कर देते हैं तो ये देखिए आपके सामने आएगा। यहाँ पर न्यू यूज़र दिया है दोस्तों, उसे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए आपके पास होना चाहिए आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो आपका अकाउंट से लिंक हो, और आपके पास ATM होना चाहिए दोस्तों जिससे आप यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए BOI ट्रांजेक्शन पर क्लिक करते हैं। अकाउंट नंबर डाल दीजिए दोस्तों यहाँ पर अपना। चलिए डाल देते हैं। उसके बाद में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा दोस्तों। चलिए डाल दिया मैंने। उसके बाद में आपको कैप्चा डालना होगा जो ऊपर दिया हुआ है, एज इट इज डाल दीजिए। चलिए मोबाइल नंबर के सामने दोस्तों आपको कंट्री कोड देना होगा, सॉरी मैं भूल गया था, तो डाल देते हैं 91 और देन कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे दोस्तों आपको एक OTP रिसीव होगा, वो OTP आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। चलिए OTP डाल देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपके ATM की डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना होगा। सबसे पहले फर्स्ट 4 डिजिट्स ATM के, उसके बाद में लास्ट 4 डिजिट्स एंड देन आपको ATM की एक्सपायरी डेट डालना होगा दोस्तों। चलिए डाल देते हैं। एक्सपायरी डेट मंथ और YY के फॉर्मेट में रहेगा। चलिए एक्सपायरी डेट डाल देते हैं। उसके बाद में आपको दोस्तों डेबिट कम ATM का आपका पिन डालना होगा, जो आपका ATM पिन है वो यहाँ पर सबमिट करना होगा। चलिए डाल देते हैं देन कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर नेवर कर दीजिए, आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के लिए आएगा, इसे आपको एग्री करना होगा। चलिए एग्री करते हैं, आई एग्री। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप पूरे इंस्ट्रक्शन दोस्तों पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं बहुत इजीली। चलिए दोस्तों पासवर्ड बनाते हैं। कन्फर्म कर देते दोस्तों एक बार और देन कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए योर रिक्वेस्ट टू क्रिएट इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी इज सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। ओके करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपके पूरे डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा, रेफरेंस नंबर, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, नेम, लॉगिन का आपका यूजर आईडी रहेगा और कौन सी फैसिलिटी आप यूज़ करने वाले हैं। आप इंस्ट्रक्शन ऊपर दोस्तों पूरे पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस टू अकाउंट विल बी अवेलेबल आफ्टर 1 डे, मतलब एक दिन बाद आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इतनी आसानी से देखिए आपका यूजर आईडी क्रिएट हो चुका है, तो एक दिन बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों लॉगिन करते हैं, अपना यूजर आईडी डाल दीजिए यहाँ पर, उसके नीचे आपको आपका लॉगिन पासवर्ड डालना होगा जो आपने क्रिएट किया था, एंड देन आपको यहाँ पर कैप्चा डालना होगा एज इट इज जो दिया हुआ है ऊपर। चलिए सबमिट करते हैं दोस्तों, ये मैंने कर दिया सबमिट। ये देखिए दोस्तों आपका लॉगिन हो गया है इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी सुविधा आपको बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है इंटरनेट बैंकिंग में। यहाँ पर हमें दोस्तों ऑप्शंस में क्लिक करना होगा, क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए रीजनरेट ट्रांजेक्शन, जैसे करते हैं दोस्तों ट्रांजेक्शन पर क्लिक, यहाँ पर आपको एक OTP रिसीव होगा, वो OTP डाल देते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए आपका अकाउंट शो करेगा, सबमिट करते हैं दोस्तों। ये देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे आपको ATM कार्ड की डिटेल्स पूछेगा। चलो फर्स्ट 4 डिजिट डाल देते हैं, उसके बाद में ATM के लास्ट 4 डिजिट्स, एंड देन आपका एक्सपायरी डेट पूछेगा वो डाल दीजिए, एंड देन ATM का आपका पिन डालना होगा आपको। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर रीड कर सकते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है पासवर्ड से रिलेटेड, आप पढ़ लीजिएगा, अकॉर्डिंगली हम न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड अपना क्रिएट करेंगे। चलिए दोस्तों क्रिएट करते हैं अपना पासवर्ड। कंफर्म करते हैं दोस्तों,
एंड देन कंटिन्यू। चलिए ये देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल हो गया आपका ट्रांजेक्शन, पासवर्ड भी बन गया। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हमने बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग शुरू कर दिया। यूजर आईडी भी क्रिएट हो गया, लॉगिन आईडी भी, और आपका ट्रांजेक्शन आईडी भी दोस्तों बन गया। आपको ब्रांच में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक सुविधा बैंक ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कर रही है, तो आप इसका जरूर लाभ उठाइए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बैंकिंग विद उत्कर्ष को और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।